अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज हम बना रहे हैं मैसूरी चिकन और साथ पे बना रहे हैं चावलों की नरम कि देखिए कितनी नरम और सॉफ्ट रोटियां हैं। चलिए आपको दिखाते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। तो हमने 1 किलो चिकन को अच्छे से धो के और इसका जो भी पानी था सब छान लिए। अब इसके अंदर कुछ मसाले डालने हैं हमें। तो ये लिया है मैंने 2 बड़े चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची, आधा चम्मच नमक, 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर और ये 1 चम्मच जीरा और काली मिर्ची का पाउडर है भुना हुआ और आधा नींबू। अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 बड़े चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। चम्मच भर भर के अच्छे से मसाला डालिए क्योंकि ये ग्रेवी मसाले से ही बनती है। और इसके अंदर ये 1 कप भर के दही है जिसे हमने अच्छे से फेंट लिए, घर की जमी दही है। अब ये पूरा डाल देते हैं दही। चलिए अब करते हैं पूरा अच्छे से इसके मैरिनेट और इसे 1 घंटे के लिए रख दीजिए आप। और आपके पास ज़्यादा टाइम है ना तो इसे 2-3 घंटे के लिए रख सकते हैं। 3 बड़े चम्मच तेल गरम कर लेंगे और उसके अंदर कड़ी पत्ते डालेंगे और ये 2 प्याज को मैंने एकदम बारीक काट लिया है। आप चाहिए तो चॉपर से चॉप कर लीजिए नहीं तो एकदम बारीक काट लीजिए। प्याज को है ना अच्छे से फास्ट गैस से भूनेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से कांदा अच्छे से भुनिज गया है। कांदा आपको ये ऐसा ब्राउन होने तक ही अच्छे से भूनना है। और अब इसके अंदर जो हमने मैरिनेट करके मसाला रखा है ना चिकन हमारा, ये पूरा चिकन डाल देना है। अब इसे अच्छे से करेंगे मिक्स और गैस को फास्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इसमें दही वगैरह भी डाला है ना, तो अच्छे से इसे पकने देंगे। और ये जो हमारी कढ़ाई के अंदर जो मसाला जो बर्तन में लगा है ना इसके ऊपर थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर पूरा डाल देंगे। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। देखिए बबल्स आने चालू हो गए, उबलने लग गया है। अब हम इसे ढकेंगे और 5 मिनट के लिए इसे पकने छोड़ देंगे। चावल की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं ले रही हूँ 2 कप चावल का आटा और इसके अंदर नमक डालेंगे थोड़ा सा। तो अब हम इसे गुनगुने पानी से गून लेते हैं। पानी ऐसा होना चाहिए आपका हाथ लगे तो आपको गरम पता चले लेकिन जले नहीं, बस ऐसा गुनगुना पानी होना चाहिए। गून लेते हैं आटा थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। इसका आटा है ना सॉफ्ट गूंदेगा, सख्त नहीं लगेगा। तो देखिए ऐसा हमारा डो तैयार हो गया है, इतना नरम होना चाहिए। इसे 10 मिनट रखते फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारा बुनाई होना चालू हो गई है, पूरा तेल भी अलग हो गया सेपरेट हो गया और ये अच्छे से भुनीज रहा है। तो हमें इसे फास्ट पे थोड़ी देर और 2 मिनट भूनना है। ऐसे तो बुनाई हो गई है, हमारा चिकन भी अच्छा सा गल गया, देखिए टूट रहा है। इसे 2 मिनट तक फास्ट पे खड़े खड़े भूनिए। तो देखिए माशाल्लाह अच्छे से पूरा भुनाई हो गया है। अब मैंने साइड में गरम पानी भी चढ़ा ली हूँ, इसके अंदर मैं गरम पानी डालूंगी। 1 गिलास गरम पानी बहुत हो जाएगा इस चिकन को। इसे एक रस्से वाला चिकन बनाना है क्योंकि यह है मैसूरी चिकन, इसे रस्सेदार बनाना है। इसके साथ आप रोटी पराठा चावल खाइए, बहुत अच्छा लगता है। नमक आप यहाँ पे चेक लीजिए क्योंकि हमने ना कम ही डाले थे। आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे इसके अंदर और बाकी जो नमक आपका कम है ना तो और डाल दीजिए। और इसे 5 मिनट के लिए धीमी आंच पे छोड़ दीजिए। आटे को 2 मिनट मल लेंगे अच्छे से और फिर इसकी लोई बना लेंगे। तो ये आटे की 4 रोटियां बन रही है 2 कप की। और सूखा आटा भी चावल का ही लगाना है आपको, थोड़ा ना हाथ से हम बढ़ाएंगे ताकि बेलने में आसानी हो। तवा गरम चढ़ा दिए हैं और
थोड़ा धीरे धीरे से बेलेंगे, धीरे धीरे बड़ा करेंगे, क्योंकि अगर हम एक साथ बड़ा करेंगे ना तो ये बराबर नहीं बनेगी। इसे हम धीरे धीरे बड़ा करेंगे। मुझे इतना अच्छा आता तो नहीं है, फिर भी मैं छोटी चावल की रोटी बना लेती हूँ। वो महाराष्ट्रियन स्टाइल बड़ी नहीं बना पाती हूँ, फिर भी मैं, मुझे लगता है मैं माशाल्लाह सही साइज की चावल की रोटी तैयार कर लेती हूँ। ये देखिए तवा गर्म हो गया है, करते तवे पे। जब तक वो रोटी बिल रही है ना, जब तक आप पेड़े को ना अच्छे से मल लीजिए, आप इस आटे को जितना अच्छा मलेंगे ना उतनी अच्छी इसकी रोटी है ना अच्छी बनेगी। तो देखिए आप करते हैं टर्न, छोटे छोटे स्पॉट आ गए चावल की रोटी के ऊपर। अब सूखा आटा, एक और मैं आपको बेल के दिखा देती हूँ। सूखा आटा डालेंगे और थोड़ा सा बड़ा लेंगे हाथों की मदद से। अब थोड़ा धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे इसे बेल लेंगे, तो आपकी ना चावल की कभी रोटी टूटेगी, और अगर आप बिगनर है ना तो भी आप माशाल्लाह अच्छे से बना पाएंगे। अब सेकेंडरी ऐसे चावल की रोटी ज्यादा नहीं सीखेगी। अगर आप सोचे कि गेहूं की रोटी जैसे लाल हो जाए तो ये नहीं होगी, क्योंकि चावल भी हम बनाते हैं तो सफेद ही बनते हैं ना। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो तेल डालें। मैं थोड़ा सा ना रोटी पे तेल डाल देती हूँ। किचन टावल से अच्छे से दबा दबा, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी फूली है। रोटी का साइन यही होता है, अगर हमारी रोटी फूलती है ना तो आप समझ जाइए बहुत अच्छी रोटी बनी है। अभी हमारी तैयार है चावल की रोटी। देखिए एक और भी डाल दिया मैंने तवे पे। अब पहले जैसे सेके थे इसे भी वैसे ही सेक लेते। कर दिए हमने गैस बंद, और देखिए माशाल्लाह से हमारा मैसूरी चिकन कितना अच्छा लग रहा है, और इतना अच्छा तीरा भी आया है, ग्रेवी भी बहुत अच्छी हुई है इसकी। कोथमीर डालेंगे, और आपको प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। इसके साथ जो हमने ये चावल की रोटियां बनाई है ना, ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप भी सेम बनाइएगा, मैसूरी चिकन और चावल की रोटी। तो लीजिए तैयार है हमारी मैसूरी चिकन, और साथ में चावलों की इतनी नरम रोटी बनी है। देखिए माशाल्लाह, आप भी बनाइए। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे चैनल को कीजिए लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।